मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू एंड रक्षाबंधन टू ऑल। नाउ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल। सेलिब्रेशन करने के साथ हमको पढ़ाई भी करनी है। ओके, नाउ कम टू द आवर क्लास। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास फ्रॉम चैप्टर 3। नाउ वी आर डिस्कसिंग न्यू चैप्टर। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वॉट? कंप्यूटर्स पार्ट। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? आज कंप्यूटर्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में और कौन क्या क्या है हम आज आपको बता देते हैं। पहले हमको फर्स्ट थिंग हमको पढ़नी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड वन इज अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले इन चीजों को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर है क्या। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर इज एन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, विच वर्क्स ऑन सम प्रोग्राम्स। ठीक है, जिसमें हम क्या देते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग्स को किसी कमांड की जरूरत नहीं होती है, वो कुछ सोच सकते हैं, कुछ अपने आप एक्टिविटी कर सकते हैं और वो मूव कर सकते हैं एक स्थान वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ह्यूमन मेड होती है, वो सोच नहीं सकती है, वो प्रोग्राम्स पे वर्क करती है, मूव नहीं कर सकती है। इवन अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास जो डिवाइसेस है वो मूवेबल है। ठीक है, और इनमें क्या है कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ह्यूमंस कर सकता है बट मशीन्स नहीं कर सकते। सपोज कीजिए स्मेल करना। ठीक है, हम तुरंत किसी चीज को सुनते हैं, तुरंत परफॉर्म करते हैं बट मशीन ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा क्या है हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जैसे आपने क्लास में गए होंगे, आपने क्लास में बैठे थे, अब हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज प्रोसेसिंग। एक एक चीज हम आपको क्लियर करते हैं। फर्स्ट ये, आप क्लास में बैठे आपके टीचर ने कहा स्टैंड अप। ठीक है, दिस इज दिस स्टैंडर्ड स्टैंड अप इज व्हाट? इनपुट। ठीक है, हम हियरिंग वर्ड जो है आपने सुना उसको, तो ये इनपुट। ठीक है, इनपुट स्टैंड अप वर्ड को सुनने के बाद आपके ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया यू विल परफॉर्म दिस एक्शन। ठीक है, आप तुरंत चेयर से उठ जाते, तो ये जो एक्शन है आपका चेयर से उठना। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या हुई? आपने माइंड ने आपको कमांड दिए कि आपको उठना चाहिए, ये प्रोसेसिंग हुई और आप चेयर से खड़े हो गए। ये क्या होती है? तो आपको बेसिकली समझ में आ गया, ऑर्डर दिया टीचर ने, दिस इज इनपुट, आपके माइंड ने उस पर वर्क किया, दिस इज प्रोसेसिंग एंड आप चेयर से खड़े हो गए, दिस इज आउटपुट। ठीक है, नाउ इसका एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक अनशार्प पेंसिल है, एक शार्पनर है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज आउटपुट, तो आप क्या करते हैं? अगर अनप्रोसेस्ड पेंसिल है आपने उसको लिया, ठीक है, दैट इज इनपुट। शार्पनिंग कर रहे हैं, शार्पनिंग कौन कर रहा है? शार्पनर, दिस इज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट क्या होगा? शार्प पेंसिल जो होती है वो आउटपुट। यू कैन टेक बोथ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं, ये हमने इनपुट डिवाइस किया, ऐसी कोई भी डिवाइसेस या द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम दोज डिवाइसेस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब कंप्यूटर जो डेटा को वर्क करता है, ठीक है, और उस पर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, वो प्रोसेसिंग कराती है, और प्रोसेस्ड डेटा जो होता है जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलता है रिजल्ट, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब हम आपको कुछ इसमें बताते हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, शोइंग सम इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट डिवाइस, ठीक है, हम आपको इनपुट डिवाइस देते हैं। फर्स्ट डिवाइस इज योर, दिस इज इनपुट डिवाइस, दिस इज नोन एज कीबोर्ड। ठीक है, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स कीज होती हैं, अल्फा न्यूमरिक कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। नंबर्स कीज कौन कौन सी होती हैं? ये आपको नंबर्स कीज गिवन है विद स्पेसिफिक सिंबल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, इन अवर इंग्लिश 26 अल्फाबेट्स, सो अल्फा कीज जो होती हैं, जिनको बोलते हैं अल्फाबेटिक कीज भी बोलते हैं, ये 26 होती हैं विच आर शोइंग हियर। ओके, सम स्पेशल कीज होती हैं विच आर एंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक कीज एंड शिफ्ट कीज, एरोज कीज, दीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। ठीक है,
जिनका हम यूज करते हैं, और कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ये कैलकुलेटर्स के लिए कुछ नंबर्स की स्पेशल भी दी होती हैं जिनमें कुछ सिंबल्स नहीं होते, यहाँ पे तो स्पेसिफिक सिंबल डिफाइन होते हैं और यहाँ पे सिर्फ ये नंबर्स ही डिफाइन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसको कैलकुलेटर्स में भी, स्मॉल कैलकुलेटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वन इज हेयर एंड अनदर इज हेयर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दिस इज माउस। ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, ओके। दिस साइज इज अप्रोक्स अवर पाल, देखिए हमारे पाल के इक्वल है अप्रोक्स, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको भी बताया, हेयर इज टू बटन माउस, वन बटन दिस इज लेफ्ट बटन एंड दिस इज राइट बटन, ओके। एंड दिस व्हील वी कॉल्ड इट स्क्रॉल व्हील, ओके। आपको कीबोर्ड बताया, कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइसेस हम डेटा को इनपुट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, लेटर्स को टाइप करते हैं, वर्ड्स को टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। जो माउस होता है उसका वर्क होता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, फॉर सेलेक्टिंग एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी यूज माउस, ओके, ठीक है। हम माउस के सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं और समटाइम्स वी यूज इन फॉर प्लेइंग गेम्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट डिवाइस इज सिस्टम यूनिट, ठीक है, विच इज नोन एज सीपीयू, ठीक है। यू कैन से सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हमको भी पता है, जैसे हम लोग का अगर माइंड नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर नथिंग इफ यू हैव नो माइंड, ओके। अब माइंड का काम क्या होता है, सपोज आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन दैट यू विल कम प्लस वन इज इक्वल टू वॉट विल कम, तो आप क्या बताएंगे। अब आप जैसे मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया, वॉट इज टू, वॉट इज द सम ऑफ टू प्लस वन, तो आपने बताया आंसर इज थ्री, ठीक है। तो ये काम आपने कैसे किया, आपके माइंड ने कैलकुलेशन की ना, तो सेम वही वर्क होता है सीपीयू का भी। सीपीयू भी क्या करता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि क्या करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। ये कैलकुलेशंस आपकी एडिशन हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन कोई भी हो सकता है, जो हमारी कैलकुलेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसी की वजह से हमारा जो वर्क होता है वो स्पीड अप होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बताया था हमने आपको, बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डेटा जो हमारे रिजल्ट को शो करती है। कौन कौन सी ये डिवाइसेस होती हैं, देखिए, इज इट ओके, यस दिस इज अ स्पीकर, ठीक है, विच वी आर यूजिंग लिसनिंग म्यूजिक, ओके। वी कैन इंक्रीज अवर वॉल्यूम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इज प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर प्रिंटर, ओके। हम क्या करते हैं, जब हमने कोई इमेज कॉपी की, इमेज कॉपी की या हमने कुछ लेटर टाइप किया डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो हम उसको सेव करते हैं स्टोरेज डिवाइस में, तो वो सॉफ्ट कॉपी में सेव होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। या फिर आप किसी स्टोरेज डिवाइस में, जो हमने आपको बताया कि पेन ड्राइव में, सीडी में या हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो, जब इस सॉफ्ट कॉपी को आपको हार्ड कॉपी में चाहिए होगा या पेपर फॉर्म में आपको चाहिए होगा, तब वी आर यूजिंग प्रिंटर, ठीक है। हेयर इज आई एम शोइंग प्रिंटर, ओके, ठीक है। वी आर कीपिंग पेपर ऑन दिस सर्फेस, देन वी विल गिव कमांड फ्रॉम दिस सेक्शन एंड हार्ड कॉपी विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन, ओके, ठीक है। तो ये हम अपनी जो भी हमें को इमेज चाहिए होती है इसके लिए हम यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो एंड आउटपुट डिवाइस हमारा, चूंकि यहाँ पे जो प्रिंटर है इट वर्क्स दो समय से काम करता है, ये प्रिंटिंग भी करता है और स्कैनिंग भी करता है। हमने आपको बताया था स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। हेयर प्रिंटर इट वर्क्स, आजकल ऐसी डिवाइसेज यूज होती है विच वर्क्स बोथ वर्क एट अ टाइम, ठीक है, जो एक साथ दो कामों को करते हैं। जैसे कि ये मशीन है, अगर आप सिर्फ स्कैनर लोगे तो वो सिर्फ स्कैन करता है, प्रिंटर लोगे तो वो सिर्फ प्रिंट करेगा। ये जो अब नाउअडेज जो डिवाइसेज आ रही है विच वर्क्स ऑन बोथ फंक्शन, ओके, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग बोथ, ओके। नाउ हमने आपको स्पीकर बताया है, स्पीकर के क्या होता है, हम ऑडियो वीडियो जो होती है उसको सुनते हैं, ठीक है, उसकी हेयरिंग मतलब म्यूजिक को सुनने के लिए हम यूज करते हैं। हेडफोन्स होते हैं विच कवर्स अवर हेड, ठीक है, एंड इफ यू डोंट टू डिस्टर्बिंग एनी अदर देन यू कैन यूज हेडफोन्स विच आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर और योर डिवाइस, ठीक है। उसके बाद एक डिवाइस आती है, जैसे कि आप सपोज कीजिए ये दीज ऑल आर डिवाइसेस वर्क्स ऑन द पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई नहीं तो ये डिवाइसेस कैसे वर्क करेंगे, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट नहीं है तब हम कैसे वर्क करेंगे, शटडाउन हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक
डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है, जब लाइट ऑफ हो जाती है तो इट वर्क्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, आप अगर जैसे कि आपका कमांड कंप्यूटर है तो वो कंटिन्यू वर्क करता है। जैसे सपोज करिए आपके घर में लाइट चली जाती है तो वी यूज इन्वर्टर। ठीक है, ऐसे यूपीएस का भी वर्क होता है। यूपीएस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता रहता है जिससे हमारा कंप्यूटर कंटिन्यू वर्क करता रहता है। ठीक है, द सेम वन अनदर आउटपुट डिवाइस इज हेयर इज मॉनिटर। ठीक है, दिस इज मॉनिटर, इसकी देख रहे होंगे आप, ये कुछ आपको टीवी की जैसा दिख रहा है, बिल्कुल हमारे घर में भी ऐसी टीवी होती है, एलसीडीज होती है। तो ये क्या करता है, जब हम कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो हमारे डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन दिस मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अनदर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नाउ डू दिस नंबर, डू दिस एक्सरसाइजेस विच आर बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।